वह एक अलग प्रवचन का एक सारभूत तथ्य होगा, कभी मैं समझाऊंगा आपके सामने। पांच शिवलिंग को स्थापन कर दें क्या था वह भी सामने रखते खोल करके। आज जो पैकेट लिया है उसको पूर्वा साक्रियत्वं कल्याण त्वां स्वेतस्मानं सचिन्तयेत् प्रत्वां पूर्वा साक्रियत्वं मम त्वां पूर्वो ताम एतस्मानं सर्वशुद्धं प्रदायः। बाएं हाथ में जल लेकर के अपने दाहिने हाथ से शरीर को पवित्र करें। अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाएं गतो विवा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षसाहाय्याभ्यं तं शुचिः पुण्डरीकाक्षाय नमः। संकल्पं कुर्यात्, दाहिने हाथ में जल लेकर के संकल्प करें। ओम नारदसा पूर्वाध संस्कृति कल्याण पम सुख सौभाग्य सुभानी सा चिंतियां संबंध 2014 फाल्गुन मास की सभी कृष्ण भगे आप शिवरात्र हो साम पूर्वाध समानम सा नेते पूर्वाधम पार्देश्वर विग्रह सा दर्शनार्थम स चिंतिया पूर्ण मम शरीर पार संस्थापयामी लक्ष्मी रूपेण सा कुबेर रूपेण कुबेराधि पतये सा ऐश्वर्यवान पतये मम ऋण रोग दुख दारिद्र कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवर्तये ताम पूर्ण कुबेर वत् ऐश्वर्य संपन्न प्राप्त निमित्तम मम अमुक गोत्रोत्पन्नोहम गोत्र बोलिए अमुक शर्माहम त्वां गुरु साक्षिणे जल साक्षिणे सूर्य साक्षिणे भगवान महाकाल साक्षिणे रूपेण उज्जिन्यां नगरे ताम पुरुषां पादसृजन पूजना भी तुभ्यं संवर्धे हे। छोड़ दीजिए सूर्य प्रणम्य ओम तत्सुदेव वाहि तम पुरुषताक्षकमुचरता पशेम सर्वदा संजीवे मसुदा सद्भूषणिया सदा सत्म ओम दाति पुरुषाम आत्मसे नरसात्मानो निवेश अनुगमतेंचा हिरण्यये दशवितारे नादेवो याति भुवनानि प्रसन्ना ताम पुरुषाम तासनम सूर्य मम सूर्य तेजस्विताम मम शरीरे तेजस्विताम मम नेत्रो तेजस्विताम समस्त रोग रहिताम कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सा पूर्वा सा चैतन्यम सूर्य सविता एतस्वानम स पूर्वो स चिंतयामि म पारदेश्वर पूजनं तुभ्यं संवर्धते हे। नीचे उतार दीजिए हाथ जोड़ दीजिए। अब मैं भगवान पारदेश्वर के उन पांच श्लोकों का उच्चारण कर रहा हूं जो है तो स्तुति मगर उसका अर्थ अगर निकाला जाए तो भगवान पारदेश्वर से किस प्रकार से पूर्ण रूपेण उसको कुबेरवत बनाया जा सकता है या कैसे इसको पारस बनाया जा सकता है। वह मूल विग्रह है उसका मूल अर्थ वह है मगर इसकी स्तुति भी है ये इसलिए इस कैसेट का आपके काम आएगी कभी इस श्लोक को समझेंगे तो समझ में आएगी। हम भगवान पारेश्वर की स्तुति कर रहे हैं सामने शिवलिंग आपके स्थापन है और उसको स्थापन ध्यान देते हुए देवो सताम देव मदेव तुल्यम लक्ष्मीर्मदे नियताम भव पार देयम पारोत्परां पूर्वमदैव नित्यम् देवो देव भगवन् शंभो नमस्ते ज्ञानाय वित्तं देहाति वित्तं कुबेरं वदाम्यैं भवतां मदेवम् आरार्तिकं मे भवतां मदेवम् पारेश्वरोऽयं शंभो प्रणम्यम् ध्यानं सतां सूर्यमदेव तुल्यं चिन्त्यो विचिन्त्य भवतामवदेव अग्निं आक्षोहिणीं पूर्णमदैव चिन्त्यं पारेश्वरि त्वं शम्भो प्रणम्यम् आवोहतां पूर्णमदैवाव्यं ज्ञानोर्वतायं भवतां महेवि दिव्यो मदान् पूर्णबलिष्ठ नित्यं ब्रह्म स्वरूप्यं प्रणम्यं सदानि शंभो शंभो भवमेव शंभो ज्योतिर्स्वरूपं भवदेव शंभो पारे स्वरूपं परं कुबेरं कुबेरं नित्यं वदान्य भवतां मम चित्तस्थाप्यं। भगवान पारेश्वर मम राजमानं सृष्टे कल्याणतां ऐश्वर्यां सचिन्तयामि मम एतस्वानं लक्ष्मी स्वरूपेण ऋणहर्ता गणेश रूपेण सा चिंत्य रूपेण भगवान पारस्तुत पूरा पारदेश्वरम अथास्मानम सकृताम कल्याणताम सुखा सौभाग्यम धान्याम ऐश्वर्याम विदिताम पुरुषाम तुभ्यम संपर्दे। अब सामने
परमेश्वर और लक्ष्मी को दोनों स्थापन करें और बाकी जो चीजें हैं वो भी आपके सामने स्थापित कर दें। ताम पुरुषा नम पारेश्वर पूजनम समर्पयामीन्वा तत्रादु आवाहनम समर्पयामीन्वा उनका आवाहन करिए। ओम नमः संभवा यचमयो भव यच नमः शंकरा यच महेशकरा यच नमः शिवा यच शिवतरा यच ताम संभो आवाहयामि स पार्वती सहितां गणेश कार्तिकं सहितां पामुदिम आवाहनम क्रम्यम ओम भगवती लक्ष्मी प्रारंभ स्थापयामि। ओम अम्बे अंबिके बालिके नमः नायति कश्चन सुकाम सुभद्रिकांकाम वीरवासिनी रुद्धि सिद्धिम आवाहयामि स्थापयामि नमः तत्रादु लक्ष्मी स्थापयामि। ओम श्रीस्तपे लक्ष्मीश्च पत्न्याम्बौ रात्रे पार्श्वे नक्षत्राण्यरूपमश्विनौ जातम् कृष्णं निखाणा मम मैखाणा सर्वलोकं मैखाणा तत्रादु ताम पुरुषां शिवस्वरूपेण उस परमेश्वर को अपने बाएं हाथ में दे दीजिए और दाहिने हाथ से यदि आपके पास जल है तो उसके ऊपर जल चढ़ाइए, नहीं हो तो आकाश से जल लेकर के चढ़ाइए, दाहिने हाथ से जल चढ़ाइए ऐसा या यूं जल चढ़ाइए। गंगे चमुने चैवर गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेश निधि गुरु ब्रह्मांडो तीर्थानी करे भ्रष्टाधिर्वे तेन सत्य निवे देवे तीर्थम देहि दिवाकर नर्मदाम सिंधु रूपेण क्षिप्राम पूर्णवते वच गंगा चमुना चैव शंभो पूर्वम प्रणम्यहम ताम पूर्व सर्विताम पूर्वा देवो दिदेव दावती पूर्व समुद्र सहिताम तम प्रणम्यम नमाम्यम आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षमस्य परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देवम परिपूर्णम तदस्तु मे ताम गंगा स्नानम समर्पयामि मां तत्रादु सप्तदीपो सप्त समुद्राम आवाहामि स्थापयामि तत्रादु सप्त समुद्रम ताम स्नानम समर्पयामि मां तत्रादु यमुना जलेन समर्पयामि मां शृंगा गंगा गोमती गणपति गोविंद गोवर्धन गीता गोमय गुरु जो गिरा गंगा तरो गौतम गायत्री गरुड़ो गदाधर गया गंभीर गोदावरी गोपस्त्री गर गोप गोकुल गुणा कुर्वंत नो मंगलम स्वाम मंगल प्रदायिना समस्त ग पूर्ण रूपेण समस्त गंगा सर्व सरितायाम आवाहयामि ताम ममा ताम पुरुषाम संभोर्णम्यम तुभ्यम संपर्वदे। अब उसके बाद में इस भगवान शिव के विग्रह को तो नीचे रख दीजिए और उस जल को थोड़ा सा एक बूंद अपने होठों पर लगा दीजिए, बाकी अपने शरीर पर छिड़क दीजिए। हस्त पक्षाल हाथ धो लीजिए। पुत्रादु बहुदीन बात पुरुषाम शंभो आवाहनम आवाहयामि आगच्छा पुरुषाम तुभ्यम संपर्दे मतंबो ज्योति पूर्व सहिताम साम गणपति ओम गणानंतवा गणपति गौंगवा मे प्रियानंतवा पतिपति गौंगवा मे निधि नंतवा गणपति गौंगवा मे वसोम आहमजा निगर मनमत्मजा श्रीकृतम्मा गणपति आवाहयामि स्थापयामि ऋणहर्ता गणेशम सिद्धिप्रद गणेशम स्थापयामि नमः तत्रादु माम लक्ष्मी स्थापयामि नमः। ओम भू लक्ष्मी स्थापिया उसमें जल चढ़ाइए लक्ष्मी पर या जो आपके पैकेट जिस पर या जो आपके वस्तु है उन पर। ओम भू लक्ष्मी स्थापियामीनमा भुव लक्ष्मी स्थापियामीनमा धन लक्ष्मी स्थापियामीनमा ऐश्वर्य लक्ष्मी स्थापियामीनमा भवन लक्ष्मी स्थापियामीनमा पुत्र लक्ष्मी स्थापियामीनमा पौत्र लक्ष्मी स्थापियामीनमा कीर्ति लक्ष्मी स्थापियामीनमा आयु लक्ष्मी स्थापियामीनमा दीर्घ जीवन लक्ष्मी स्थापियामीनमा ऋणहर्त्री रूपेण स्थापियामीनमा ऐश्वर्य रूपेण लक्ष्मी स्थापियामीनमा पूर्ण चैतन्य रूपेण लक्ष्मी स्थापियामीनमा आकाश श्री देवी लक्ष्मी स्थापियामीनमा चैतन्य रूपेण स्थापियामीनमा कीर्ति रूपेण स्थापयामि नमः एवं साम समस्त लक्ष्मी स्वरूपेण आवाहयामि स्थापयामि नमः ताम लक्ष्मीं प्रार्थयेत लक्ष्मी को प्राप्त। अधोस्मानं सकृते कल्याणत्वं सा चैतन्यं लक्ष्मी साम ब्रह्मांड रूपेण सा चैतन्यं विष्णु रूपेण साम रुद्र रूपेण कुबेरवतः कुबेर मायात्मकं स्वरूपेण समस्त चैतन्य रूपेण धन द्रव्य ऐश्वर्यं भूभुव स्व सोक्षम साम नादि पूर्व लक्ष्मी रूपेण कुबेरत्वं आहां सा कुबेर पूजनां तुभ्यं एतस्मानं स लक्ष्मीं मम लक्ष्मी रूपेण स्थापयामि तुभ्यं संवर्धते।
एतस्मानं स पूर्वसां चित्यं शिवशक्ति स्वरूपेण शिव पार्वती स्वरूपेण शिव गौरी स्वरूपेण हिमाचल रूपेण स्मृत लक्ष्मी कुबेर रूपेण लक्ष्मी विष्णु रूपेण लक्ष्मी समस्त सुख सौभाग्य रूपेण मम गृहे मम हृदय आलायामि स्थापयामि नमः तत्रादु दो दुसुता पुरुषां मम समस्त हृदय चैतन्यं स्थापयामि नमः। अब आपके पास जल है तो पांच बार दाहिने हाथ में जल लेकर पी लीजिए। ओम आत्मलक्ष्मी रूपेण स्थापयामि नमः ब्रह्म लक्ष्मी रूपेण स्थापयामि नमः चैतन्य लक्ष्मी रूपेण स्थापयामि नमः माया रहित लक्ष्मी रूपेण स्थापयामि नमः समस्त सुख सौभाग्य धाम लक्ष्मी रूपेण स्थापयामि नमः हस्तप्रक्षालनम्। हाँ बोल लीजिए। एतस्मान् सकृते कल्याणताम् दीर्घौ सातव्यम् संप्रदेत मचितम् वो ज्योति पूर्वौ सात क्लेन तो तव्यम् संप्रदेत मचितम् वा पूर्वा अथास्मानम् मम हृदय प्राण प्रतिष्ठा कुर्यातः। अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय पर रखिए। हृदय का मतलब है जहाँ ये खड्डा है उसको हृदय कहते हैं। हृदय की धड़कन पड़ गई और आपकी दृष्टि उस शिव पर या लक्ष्मी पर, इन दोनों पर रहे। अथास्मानम् ममः अपना गोत्र बोलिए। मम साम पितुः अपने पिता का नाम बोलिए। सपुत्र अपना नाम बोलिए। तो आम लक्ष्मी कुबेर साम परांबा शिव शक्ति स्वरूपेण साम शिवा अथास्मानम ताम ऐश्वर्य आमदीसा पूर्वा ताम पूर्वस्याम चैतन्यम का पौत्र पूर्वतम पार लक्ष्मी ताम पार लक्ष्मी ता पार संभो ताम पूर्व प्राण प्रतिष्ठान कुर्यात एम रिंगदीसा पूर्वा शिव स्थापयामि मां पूर्वा सा चिंतामसी नेत्रो स्थापयामि मां एतस्मान शिव शक्ति स्वरूपेण नासिका स्थापयामि मां श्री चैतन्य मुखे स्थापयामि मां ताम पूर्वस्याम ग्रीवायाम स्थापयामि मां समस्त सुखादी ग्रीवायाम स्थापयति प्राण स्थापयामि न प्राणान्ते वक्षस्थलं स्थापयामि न वक्षस्थलान्ते पुरुषं कुचं स्थापयामि न कुचान्ते अजन्ता पूर्वा इन्द्रता हृदय स्थापयामि न अन्नपूर्णे त्वकां सम उदरं स्थापयामि न उदरान्ते सम नाभो स्थापयामि न नाभोन्ते पुरुषं लिङ्गं स्थापयामि न लिङ्गान्ते पुरुषरूपं जङ्घायां स्थापयामि नान्ते पादौ स्थापयामि न पूर्वस्वस्थ स्वरूपेण सारथि चरण स्थापयामि न तत्र पीठादि यम पीठ स्थापयामि न इन्द्रं तां पूर्वां बाहुभ्यां ब्रह्मदिकं सा बहु बाहुभ्यां स्थापयामि न समस्त प्राण ये प्राण जीव ये जीव देह ये देव समस्त पूर्व संस्थापयामि कां क्रीं तुं कां का पूर्वश पदास्मानं स क्रीं 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 पूर्वा अथास्मानं सं देवं स्फोटय स्फोटय जागृत जागृत दिव्यं दिव्यं सा पूर्वा अथास्मानं सं नित्रि पूर्वा अथास्मानं स दिव्यं संप्रदे इदम् अचिन् वा प्राण सा गुरु रूपेण सा गुरु साक्षी रूपेण गुरु चैतन्य रूपेण निखिला स्वंति नाटिका पूर्वा सादि निखिले स्वंति महात्मानं सा परम संसादुकं सत्यं बाप देवी सहितां सा मम शक्ति स्वरूपेण सां लक्ष्मी एतां पावसी अब मैं उस भगवान शिव के उन गोपनीय मंत्रों से जिन मंत्रों से जगदम्बा और भगवती लक्ष्मी का कीलन होता है। जगदम्बा कीलन इसलिए कि जिससे कि शक्ति प्राप्त होती रहे और लक्ष्मी कीलन इसलिए कि हमारे घर में पूर्ण रूप से पारदेश्वर लक्ष्मी स्थापित बनी रहे। उन मंत्रों का मैं उच्चारण कर रहा हूं। आप उस लक्ष्मी पर जल प्रदान करते रहे। आपका जल हो जल, या वायु से जल लेकर चढ़ाते रहे। दोनों में से जो मैं आपको समझा हूं। पुष्प हो तो आप पुष्प चढ़ा दें, बिल पत्र हो तो बिल पर चढ़ा दें, अबीर गुलाल तो अबीर गुलाल चढ़ा दें, जो कुछ आपके पास हो वो चढ़ाइए।